जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते एक एक्शन मूवी है। ट्रेलर देख 80 और 90 के दशक की याद आती है, जब फिल्म में बिना बात के मारामारी होती थी। अभी भी इस तरह के दर्शक हैं जिन्हें इस तरह की फिल्में पसंद आती है। खासतौर पर सिंगल स्क्रीन और छोटे शहर में रहने वाले दर्शकों को इस तरह की ये फिल्में काफ़ी पसंद आती है। इन लोगों को यह फिल्म का ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म यहाँ पर ना केवल अच्छा व्यवसाय कर सकती है बल्कि अक्षय कुमार की गोल्ड को भी जोरदार टक्कर देगी। मल्टीप्लेक्स के दर्शक इस तरह की फिल्में आमतौर पर कम ही पसंद करते हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि सत्यमेव जयते को पसंद करेंगे या नहीं। हाँ, यदि एक्शन में नयापन नज़र आएगा तो वे फिल्म को पसंद कर सकते हैं। जॉन के स्टारडम को देखते हुए फिल्म का बजट सटीक है। इस फिल्म को 30 करोड़ रुपए में तैयार किया गया, 10 करोड़ रुपए प्रचार का खर्च किया गया, यानी प्रमोशनल जो खर्च है वो 10 करोड़ है। इस तरह इसकी कुल लागत 40 करोड़ रुपए है। फिल्म के विभिन्न राइट्स लगभग 20 करोड़ रुपए में बिके हैं। इस फिल्म को लागत वसूलने में 40 करोड़ रुपए का व्यवसाय करना होगा, जो कि बहुत आसान है। देखा जाए तो अक्षय के बजाय जॉन की राह आसान है। हालांकि अक्षय के मुकाबले जॉन छोटे सितारे भी हैं, लेकिन यदि ट्रेलर की बात की जाए तो जॉन आगे अड़े नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसके ट्रेलर की तो इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा दमदार नज़र आया था। साथ ही साथ कई लोगों ने इसके ट्रेलर की गब्बर इज बैक से भी तुलना की थी। तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि जॉन अब्राहम की मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल धमाल मचाती है। दोस्तों, इसको भी 5 दिन का वीकेंड मिलने वाला है और त्यौहार यानी कि इंडिपेंडेंस डे का इसको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। आपको क्या लगता है ये मूवी कितनी कमाई करेगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप जॉन अब्राहम के फ़ैन हैं तो इस मूवी को देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलने वाली है सबसे पहले।